गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम अवर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फूड एंड फन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा लेट्स ईट टुगेदर, साथ में हम सभी खाते हैं, और आज इसमें हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं फूड के बारे में। उसमें साथ में खाने का मैंने आपको बताया था क्या मोटिव था, उसमें साथ का मैं खाने का एक ही मोटिव था कि सभी को, सभी के अंदर ब्रदरहुड की भावना, फीलिंग जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो, लोगों में भाईचारा बढ़े, बच्चों में, ठीक है। और जो बच्चे लंच अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनकी फैमिली बहुत पुअर फैमिली से हैं, स्कूल जाने नहीं जाते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें घर से लंच करके नहीं आते, तो एटलीस्ट उन्हें वो अपने घर से आए तो उनको कम से कम लंच मिले उस स्कूल में। इसलिए गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला और क्या लॉन्च किया उन्होंने, मिड डे मील प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में सभी को फूड मिलता है, अच्छा फूड मिलता है, जिससे वो जो बच्चे गरीब हैं, घर से लंच ब्रेकफास्ट करके नहीं आते, खाली पेट आते हैं पढ़ने के लिए, तो कम से कम उनको क्या मिल सके, खाना मिल सके। ओके, ठीक है। तो ये था उसका, किस तरीके से हमें एक दूसरे से फूड शेयर करना चाहिए खाना, हाँ, और उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसको ग्रो करने में। किसान आज देख रहे हैं आपके दिल्ली में धरना दे रहे हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम फूड के बारे में, डिफरेंट रेसिपीज के बारे में, डिफरेंट फूड आइटम्स। आपको बता दूँगा हर स्टेट का फूड आइटम अलग है, हर डिश अलग अलग है। भारत एक ऐसा है जहाँ देश है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, फिर भी एकता है। ओके, अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को रीड करना। ट्रिंग, द डोर बेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी। मनप्रीत ओपन्ड द डोर, मनप्रीत नाम का एक बॉय है, उसने क्या खोला, दरवाजा खोला। अब लड़की भी हो सकती, पंजाबी में दोनों ही नाम होते हैं, मनप्रीत और लड़की का भी नाम हो सकता है और लड़की का भी, ठीक है। सीसा दिव्य एंड स्वास्थ्य की देयर, देखिए अब मैंने कहा मनप्रीत, यहाँ पर लड़की है, सी मीन्स लड़की ही होता तो लड़का होता हूँ। दिव्यान स्वास्थ्य देयर, अब दरवाजे पर कौन था, दिव्यान स्वास्थ्य। सी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, और उन्होंने कहा सी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, उसने बहुत एक्साइटेडली मीन्स बहुत ज़्यादा उसको खुशी में उसने कहा, सुरजीत लुक हु हैज कम, और ये किसने कहा, मनप्रीत ने कहा उसके भाई से, सुरजीत से, कि देखो कौन आया, सुरजीत केम रनिंग, और वो सुरजीत दौड़ता हुआ आया। व्हेन सी सा हर फ्रेंड सी हग्ड देम हैप्पीली एंड सैड, और जब वो दौड़ के आई उसको बहुत ज्यादा खुशी थी, उसने अपने दोस्तों को गले लगाया और उसने कहा, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल, तुम लोग हॉस्टल से कब आए, जस्ट यस्टरडे, उन्होंने कहा जस्ट यस्टरडे, कल ही आए। वेयर आर योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के, वी वॉन्ट टू मीट इन सैड स्वास्तिक, स्वास्तिक ने कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, उन्होंने कहा पिताजी कहाँ हैं, कब आए तुम, ऐसी बातें हुई, हम उनसे मिलना चाहते, स्वास्तिक ने कहा उससे। दे आर एट द गुरुद्वारा, उन्होंने कहा वो कहाँ है, गुरुद्वारा में है। ओके, तो उन्होंने कहा कहाँ है, गुरुद्वारे में है, गुरुद्वारा भी, तो गुरुद्वारा क्या है, बरसे प्लेस ऑफ सिख रिलीजियन पीपल्स है, वो सिख रिलीजन के पीपल हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे में वो होती है, ठीक है, वो रहते हैं वहाँ, बरसे करते, प्रार्थना करते हैं, सारी चीज़ें। वी वर अबाउट टू गो देयर टू, और हम भी वहाँ जा रहे हैं, सुरजीत ने कहा।
ओ वेरी गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या। दिव्या ने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ओके दिव्या ने उससे कहा, ठीक है। तो वो सभी लोग कहाँ चले गए? गुरुद्वारे। आपको पता है गोल्डन टेम्पल, एक्चुअली वो टेम्पल नहीं है, गुरुद्वारा है सिखों का, जो कि कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। और गोल्डन यूं कहते हैं क्योंकि उस पर गोल्डन गोल्ड की परत चढ़ाई गई है उस पर, ठीक है। यू कम ओनली इन द वैकेशन, सुरजीत ने कहा। यू कम, देखिए, यू कम ओनली इन द वैकेशन, तुम छुट्टियों में ही आते हो। डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल, क्या तुम्हें हॉस्टल में रुकना पसंद है? मैं तो बहुत 7 सालों तक हॉस्टल में रहा हूँ। यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट, तुम अपने पेरेंट्स को क्या करते हो, मिस करते हो? सुरजीत आस्क, सुरजीत ने पूछा। यस डेफिनेटली, हम भी करते थे, अभी भी मैं अपने पेरेंट्स को मिस करता हूँ। तो आप लोग भी करते होंगे, जब आपके पेरेंट्स नहीं होते होंगे, कहीं बाहर गए होंगे, जाते होंगे, तो डेफिनेटली आप भी अपने पेरेंट को क्या करते होंगे, मिस करते होंगे। ओके नो, दिव्या सैड, दिव्या ने कहा, वी डू मिस देम, हम हमेशा उनको मिस करते हैं, बट हॉस्टल लाइफ इज फन इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड। मीन्स क्या होता है, हॉस्टल में बहुत मजा आता है क्योंकि सारे आपके फ्रेंड एक साथ रहते हैं, आप 24 आवर्स एक साथ रहते हो, तो बहुत ज्यादा मजे आते हैं। ओके, इवन ऑलवेज लाइक द बी इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, अगर हमें फूड पसंद भी नहीं है, वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन, हम सभी बच्चों के साथ। हमारा तो एक बहुत बड़ा मैस था जिसमें हम 500 550 बच्चे और टीचर सभी एक साथ बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारी चीजें किया करते थे, ठीक। यू नो व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होम मेड फूड, और क्या होता था, इन्होंने मुझे अपना हॉस्टल याद दिला दिया। एक्चुअली मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे अपना हॉस्टल याद आ गया, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसा ही होता था, व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड, अगर वहां कोई घर से बना हुआ फूड आया, ऐसे जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे मिलने के लिए आते थे संडे को, तो वो घर से कुकिंग वगैरह करके लाते थे खाना, तो वो तो ऐसे ही वी ऑल रश टू देयर रूम्स, और हम सभी दौड़कर उसके रूम में चले जाते थे। वो एक किसका कहना है, दिव्या का। ऐसे ही हम लोग भी हैं, अगर किसी का स्पेशल फूड आया, जैसे हमारा एक फ्रेंड था, फ्रेंड है एक्चुअली था नहीं, जिसका नाम अमरदीप, वो पंजाबी, तो उसके यहाँ सरसों का साग और मक्के की रोटी आती थी, तो वो उसको खाने के लिए हम लोग दौड़ जाते थे। मीन्स वो अपने पेरेंट्स को छोड़ने गया और हम लोग क्या करते थे, उसका पूरा जो खाना आता था घर से उसको खत्म कर देते थे, खा जाते थे, बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। फिर वो हमारे साथ, जो हमारे घर से खाना आया होता था, उसके साथ हम उसको शेयर करते थे, हम सभी बैठ कर उसको खाते थे। ओके, द दैट फूड गेट फिनिश्ड विद इन अ मिनट, और वो कुछ ही पल में खत्म हो जाता, सैड स्वास्तिक लाफिंगली, उसने हंसी के साथ कहा। ओके देखिए, डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, क्या तुमने कभी, क्या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहे? नहीं, आपको बोर्डिंग स्कूल तो नहीं है, हाँ लेकिन आपको लंच जरूर मिलता है। इफ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज टू बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट, कोई गया हो तो उससे बात कर सकते हैं, अपना स्कूल है और फिर मैं आपके लिए हूँ बात करने के लिए। इन व्हाट वेज अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, उसमें क्योंकि हॉस्टल होता है, सभी बच्चे वहीं रहते हैं, उनको ही सारे काम करने होते हैं अपने से, तो वो अच्छा भी है और एक प्रकार से थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्योंकि फैमिली आपके साथ नहीं रहती है, डिफरेंट बच्चे चिल्ड्रन रहते हैं, तो वो अच्छा भी है। वो अच्छा इसलिए है क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपने आप से काम करना सीख जाते हो, ठीक है, आपको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है प्रॉपरली, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे से क्या कर लेते, काम करते हो। ओके, तो
तो यही डिफरेंट होता है जो आपके अदर स्कूल होते हैं जो बोर्डिंग स्कूल नहीं है, उनमें क्या होता है, उनमें बच्चे घर चले जाते हैं, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आती है, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो पाती, तो उनको पता रहता है कैसे क्या काम करना, लाइक दैट व्हाट काइंड ऑफ फूड दे गेट गेट दे आर। तो हर टाइम हमारा एक मेन्यू होता था, ठीक है, तो उस मेन्यू में डिसाइडेड होता था कि मंडे को क्या रहेगा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर में, ट्यूजडे वेडनेसडे, ऐसे 7 दिनों का मेन्यू डिसाइडेड होता था, ठीक है, और 2 दिन स्वीट्स मिलती थी और संडे को स्पेशल खाना मिलता था, तो लाइक दैट ऐसे करके बना होता था, बहुत मज़ा आता था, एंजॉय करना होता था बहुत अच्छे तरीके से। वेयर डू द चिल्ड्रन सेट टू ईट इन द बोर्डिंग स्कूल। अब देखिए एक प्रॉपरली एक हॉल होगा, बेंचेस वगैरह लगी होंगी, एक हमारा तो बहुत बड़ा हॉल था, डाइनिंग हॉल कहते थे जैसे हम, तो उसमें बेंचेस वगैरह लगी हुई थी, उस पर सभी बैठ जाते थे, सर्व करते थे अपने ही हाथ से, लाइक दैट ऐसे करते थे और वो खाना खाते थे। हु देखिए हु कुक्ड फॉर द चिल्ड्रन फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व्स द फूड। देखिए हमारे बोर्डिंग स्कूल में स्पेशली होता है कि जो कुक होते हैं वो होते हैं कुकिंग करने के लिए, और बाकी सर्व करने के लिए बॉयस करते, हो सकता हमारे स्कूल में तो हम ही करते थे सर्व, और हो सकता है अदर स्कूल में ऐसा होता है कि वहाँ पर वो जो वहाँ कर्मचारी काम करने वर्कर हों वो सर्व करते हैं। ओके, हु कुक फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व दैट फूड, हु वॉशेस द वेसल्स। तो वहाँ पर जो वर्कर होते थे उन्हीं को कब वो जो अटेंसल्स होने थे उनको वॉश आउट करना होता था, हमें अपनी अपनी प्लेट को साफ करना होता था। ओके, तो लाइक दैट ऐसा ही होता होगा वहां भी। डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स? यस, एवरी टाइम वी मिस दैट फूड, तो सभी बच्चे मिस करते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल भाई? आप जाना चाहेंगे? हाँ जाइए, अच्छी बात है, आप जाने बोर्डिंग स्कूल में जाने से बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हैं, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आती है, आप इजिली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, मीन्स एंजॉय इन द सेंस आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, आपको अपने काम स्वयं से करना आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अब वो गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं, अब हम देखते हैं क्या होता है गुरुद्वारे में। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे, चैटेड मतलब यहाँ वो बातचीत करते गए ऑल द टाइम टू द गुरुद्वारा, कवर्ड देयर हेड। देखिए गुरुद्वारा की एक विशेषता है, वहां आपको सिर या तो सिर से रूमाल बांध कर जाइए या आपकी पगड़ी है तो वो आपको सिर से ढककर जाना होगा, ठीक है, सिर को आपको जो सिर हेड है उसको कवर्ड करके ही जाना होता है आपको, तभी एंट्री मिलती है गुरुद्वारे में, अदरवाइज नहीं मिलती। दे वेंट इन टू किचन, वो किचन में जाते हैं ऑफ द गुरुद्वारा, अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर। अब वो किचन में एंटर करते हैं, वहां बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। फूड वॉज बींग कुकड इन ह्यूज वेसल, बड़े बड़े बर्तनों में खाना पक रहा होता है। ऑन द साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, अदर जगह पे आपकी, हाँ ये बहुत फेमस तरीके से बनती है, तो चना और उड़द दाल वहाँ पे मिलती है, लंगर कहते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड किया जाता है लोगों के लिए, तो इसको लंगर प्रथा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन अनादर वेसल्स द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बींग कुक्ड मेड, और दूसरे उसमें क्या बना रहे थे, पोटैटो और कॉलीफ्लावर की फूल गोभी की क्या बन रही थी, सब्जी बना रहे थे वो लोग। ओके, देर इज योर पापा सुरजीत, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सर, ये तुम्हारे पापा हैं, चलिए इनसे मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, मनजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। अभी सुरजीत के पापा हैं जिन्होंने बच्चों को देखा और वो खुश हुए और उन्होंने पूछा बच्चों से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओके, अंकल बी कैन हेल्प इन हेल्प बी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, उन्होंने कहा अंकल जी हम भी हेल्प करना चाहते हैं। व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वास्तिक आस्क, और आप क्या बना रहे हो, उन्होंने पूछा। मनजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद,
तो एक प्रसाद बनता है, उन्होंने कहा मैं वो प्रसाद बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं गधा प्रसाद बना रहा हूँ, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसको फ्लोर जो आटा होता है उसको एक बड़ी कढ़ाई में घी में सेकना होता है, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना वैसे हलवा बनता है सूजी का, गाजर का, बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा इजंट इट, व्हेन यू विल बी ऐड शुगर इन इट, दिव्यास्क, दिव्या ने कहा कि एक प्रकार का क्या है हलवा है, आप इसमें शुगर कम मिलाएं। दे सा मनप्रीत मदर, फिर उन्होंने मनप्रीत की माँ को देखा, रश टू मीट हर, दिव्यास्क, और वो उनसे मिलने के लिए चली गई। दिव्यास्क, व्हाट आर यू डूइंग आंटी, उन्होंने कहा आंटी आप क्या कर रहे हैं। बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर, उन्होंने कहा मैं रोटियां बना रही हूँ, रोटियां बेल रही हूँ जिससे इनको तंदूर में पका सकें। सो मैनी चपातीज एट वंस गो, और बहुत सारी चपातीज एक साथ जाती, दे वो दिव्या वो सरप्राइज, उसको यह देखकर क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, ठीक है। कैन आई हेल्प, श्योर कम एंड ट्राई हियर, एवरी वन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी, उन्होंने कहा हाँ जरूर हर कोई यहाँ मदद कर सकता है लेकिन पहले जाओ हाथ धुल के आओ, क्योंकि आप जब भी आप खाना खाने बैठे या खाना बनाने जाएं तो यू हैव टू वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथ धुले, ओके। नेक्स्ट, दिव्या वॉश्ड हर हैंड एंड ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा, और दिव्या ने अपने हाथ धुले और उसने ग्रुप को क्या किया, ज्वाइन किया। द तवा वॉज वेरी हॉट, जो तवा था वो बहुत गर्म था। सी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपाती एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा, और उस चपाती से वो घी लगाने लगी, जैसे ही वो क्या हुआ तवा से आती जा रही थी और वो उस पर घी लगाती जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्वास्तिक बंडर्ड एंड एक्सक्लेम्ड, वो मतलब उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था और वो स्तब्ध भी था, हु ब्रिंग ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड, अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इतना सारा जो खाना बन रहा है इसके लिए मटेरियल कौन लेके आता है। तो मैं आपको बता दूं ये घर घर जाके इसको कलेक्ट करते हैं, जो भी पंजाबी फैमिलीज होते हैं, सिख रिलीजियन पीपल होते हैं, वो ये घर घर जाकर उनसे इस मटेरियल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ओके। वन ऑफ द लेडीज आंसर, उस उनमें एक लेडी थी जिसने उसका जवाब दिया, एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट इन सम वे और अदर वे, तो कुछ आपके अनाज देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो जिसको जैसे कंट्रीब्यूट करना हो वो उसको उसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसको जैसे करना हो। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन द वर्क, कुछ मटेरियल देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ लोग अदर कामों में, दूसरे कामों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सुस्वास्तिक, हाउ डू यू फील्स, तो मनप्रीत ने उससे पूछा अब तुम्हें कैसा लग रहा है। यस आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन, उसने स्वास्तिक ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सभी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, सभी के साथ काम कर, जब हम बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दीज फूड आइटम, चपाती, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट, तब उन्हें समझ आया कि ये इतना सारा फूड बनता वो कैसे, कितने जल्दी कैसे बन जाता है, ठीक है। आफ्टर अरदास, प्रेयर होती है, एक प्रेयर होती है, जैसे इसमें अजान होती है, हमें पूजा होती है, तो इस तरीके से इनमें क्या होती है, प्रेयर होती है, एक अरदास। गधा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर जो फ्लोर का आटे का जो हलवा बनाया था वो बांटा गया। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट दरीज, जो कुछ बच्चे जो बॉयज थे उन्होंने जल्दी जल्दी फटाफट क्या बताया, दरीज में
मैट जैसे कहते हैं वो बिछाए इन द बरांडा एंड ऑल द पीपल सैट डाउन इन द रो टू हैव लंगर। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, लंगर कहते हैं, और सभी लोग वहाँ एक बड़े बरामदा में बैठ गए। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, कुछ जो थे वो आपका क्या दे रहे थे, खाना दे रहे थे, फूड सर्व्ड कर रहे थे, तो कुछ पानी। एवरी वन एट टुगेदर, और सभी वहाँ साथ में खाते हैं, ये अच्छी बात है। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरी वन पिकड अप ऑन प्लेट एंड पुट इन द बिग ड्रम, और वहाँ अपनी प्लेट खुद ही ले जानी होती, खुद ही साफ करके उसको रखना होता है, ठीक है। तो एक बड़ा ड्रम था, उसमें पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, और जो सर्व कर रहे थे वो लास्ट में खाते हैं। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, और वो उन्हीं लोगों को वो जो जहाँ सभी लोगों ने खाना खाया होता है उसको क्लीन करना होता है, और सभी को उनको ही को उन्हीं को वो बर्तन जो है यूटेंसिल्स वो साफ करने होते हैं। तो मनप्रीत ने स्वास्तिक से पूछा कि तुमने कहीं ऐसा हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ मैनेज अरेंजमेंट, क्या तुमने कहीं ऐसा अरेंजमेंट देखा है, मीन्स ऐसी व्यवस्था कहीं देखी है तुमने, मनप्रीत ने पूछा। तो पेज टर्न करेंगे, आगे की स्टोरी को रीड करेंगे। यस, आप ऐसी जो भंडारे वगैरह में होता है ऐसा, नहीं तो आपका ये आपको गुरुद्वारा में ये 24 मंथ्स चलता है, ये हर डेली होता है, कुछ गुरुद्वारों में कभी मंथली होता है, और वैसे जो मोस्टली गुरुद्वारे हैं वहाँ पे डेली होता है, ठीक है। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर, टॉक अबाउट इट, द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारे इज कॉल्ड लंगर। हैव यू एवर ईटन इन लंगर, वेयर एंड व्हेन, तो आपने कभी लंगर में खाया हो, कब खाया और कहाँ खाया वो आप लिख सकते हैं, ओके। हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड देयर, तो ये तो आपने जितने देखे हो 10, 20 वॉट एवर जो भी नंबर ऑफ पर्सन सर्व करने वाले रहे हो, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, कितने लोग वहाँ खाना बनाते हैं, कितनों वहाँ पर सर्व करते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। आर देयर एनी अदर ओकेजन वेन यू हैव ईटन विथ मैनी पीपल, यस, बहुत सारे लोगों को, जैसे आपके बर्थडे हो गया, वेडिंग हो गई, एनिवर्सरीज हो गई, या भंडारा हो गए, उनमें आप ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जहाँ आप बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाते हैं। वेयर एंड व्हेन, कहाँ और कब, हु कुक्ड एंड सर्व द फूड देयर, और वहाँ जो नॉर्मली काम करने वाले बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो सर्व करते हैं, वो ही बनाते हैं खाना, ठीक है। ये देख सकते हो डिफरेंट बहुत सारी पिक्चर हैं गुरुद्वाराओं की, जिनमें आपको भोजन को बनाते हुए, सर्व करते हुए, खाते हुए, लाइक दैट ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था फूड के बारे में, लंगर सिस्टम के बारे में, ठीक है, द फूड फंडे हेड। तो मैं फिर भी एक ही बात कहूँगा आपसे कि फूड को वेस्ट नहीं करना, आपको उतना ही यूटिलाइज करिए जितना ज़रूरत हो, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, जो नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है एक्चुअली में, उनको फूड जरूर प्रोवाइड करें, ओके। और आप, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको वर्ड समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।